नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में आज 5 फरवरी 2024 को। अब मैं बात करता हूं पिछले 24 घंटे में जो मौसम दर्ज हुआ, तो आप देख पा रहे हैं कि जो लाल लाइन वो दिखा रहा है कि डेंस टू वेरी डेंस फॉग यानी घना से अति घना कोहरा पंजाब के बहुत सारे हिस्सों में देखा गया है सुबह। इसी के साथ साथ ऑरेंज कलर जो नारंगी रंग वो दिखा रहा है कि आइसोलेटेड एक दो जगह पे वेरी डेंस फॉग भी देखा गया है हिमाचल हरियाणा में, और इसी के साथ साथ जो उत्तरी हिस्सा राजस्थान का वहां भी डेंस फॉग देखा गया और उत्तराखंड में भी एक दो जगह पे डेंस फॉग देखा गया है। इसी के साथ साथ उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों में डेंस फॉग सुबह देखा गया है। और अब मैं बात करूं हेल स्टॉर्म की यानी ओलावृष्टि की, तो आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि भी हुई है एक दो जगह पर। विजिबिलिटी की आप बात करें, सैटेलाइट पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये कोहरा दिखा रहा है कुछ कुछ पार्ट्स में, और क्लाउड और कोहरा दोनों चीज है लेकिन कुछ जगह पे कोहरा भी दिखा रहा है। तो अगर मैं विजिबिलिटी बात करूं सुबह आज की, तो आप देख पा रहे हैं वेस्ट राजस्थान में गंगानगर में 25 मीटर, अमृतसर में 50 मीटर, पंजाब में, हरियाणा में भी अंबाला में 50 मीटर, उत्तराखंड में भी 50 मीटर विजिबिलिटी देखी गई सुबह। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, सिक्किम, उड़ीसा में 200 मीटर विजिबिलिटी भी दर्ज की गई। और अब मैं न्यूनतम तापमान की बात करूं, तो आप देख पा रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है 8 डिग्री से लगभग ज्यादा है पूरे नॉर्थ वेस्ट और उससे जुड़े हुए हिस्से में। और यहां देख पा रहे हैं लाल और पीला रंग और हरा रंग दिखा रहा है कि डिपार्चर जो है उसका पॉजिटिव में, यानी कि कहीं भी कोल्ड वेव यानी शीत लहर कहीं भी पूरे भारत में देखी नहीं गई। और अब मैं अधिकतम तापमान की बात करूं, तो आप वो देख पा रहे हैं वो भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है पूरे नॉर्थ इंडिया में ही स्पेशली, और जो इसका डिपार्चर है वो भी पॉजिटिव ट्रेंड में ही है लगभग पूरे इंडिया में। कुछ जगह को वेस्टर्न हिमालय रीजन और पंजाब के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो बाकी सब जगह पॉजिटिव ट्रेंड में ही है, और कहीं कल कोई भी कोल्ड वेव कंडीशन भी ऑब्जर्व नहीं हुई, पूरे कोल्ड डे कंडीशन ऑब्जर्व नहीं हुई पूरे भारत में। और हमें मुख्य बिंदु की बात करूं, तो आज 5 फरवरी 2024 को उत्तर पश्चिम और उससे जुड़े हुए मध्य और ईस्ट इंडिया में जो रेड स्पेल है, जो बारिश है वो आज और जारी रहेगी, उसके बाद अगले 4-5 दिनों तक तो कोई भी बारिश की संभावना नहीं है। अच्छा, मैं मौसम मंडली की बात करूं, तो आप देख पा रहे हैं कि जो पश्चिम हिस्सा WD है वो ट्रफ के तौर पे पाकिस्तान और से जुड़े हुए जम्मू हिस्से के आसपास है। इसी के साथ साथ इसका इंड्यूस एक साइक्लोन सर्कुलेशन WD का था वो नॉर्थ पाकिस्तान और उससे जुड़े हुए पंजाब और जम्मू डिवीजन के आसपास था, और एक जो साइक्लोन सर्कुलेशन है वो आपका ईस्ट असम में देखा जा सकता है। और मैं वार्निंग की बात करूं, वर्षा और ओलावृष्टि की बात करी जाए, तो केवल आज जो संभावना है सिक्किम और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि भी की संभावना है एक दो जगह पे। इसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में आज बर्फबारी और भारी वर्षा होने की संभावना भी है एक दो जगह पे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि पूरे अगले 3-4 दिनों तक पूरे भारत में कोई भी रेनफॉल की कोई भी वार्निंग नहीं है। और अब मैं अब बात करूं कोहरे की चेतावनी की, तो आज के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तरी हिस्सा जो राजस्थान का है वहां पर, और उड़ीसा और झारखंड में आज के लिए कोहरा यानी कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में कोहरा होने की संभावना है, और उड़ीसा में अगले 2 दिन मतलब यानी 6-7 तारीख की सुबह भी कोहरा होने की संभावना है। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं पूरे भारत पे कोहरे की कोई भी चेतावनी नहीं है। तो आज की जो संभावना है, जो कल सुबह कोहरा होगा उसके बाद देखने को मिलेगा शायद कि पूरे भारत से ही कोहरे की संभावना खत्म हो जाएगी अगले 4-5 दिनों तक। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।